दोस्तों, दुनिया में हर देश की अपनी एक खासियत और पहचान होती है। कोई देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो कोई देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और लंबे इतिहास के लिए विख्यात है। लेकिन आज हम आपसे जिस देश की बात करने वाले हैं, उस देश में वो सब गुण भरे पड़े हैं। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं, यूरोप का एक बेहद खूबसूरत और रंगीन देश यूक्रेन है, जिसे जन्नत का देश भी कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के प्राचीनतम देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग जाना तो छोड़िए उसके नाम से भी डर जाते हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपनी कातिल अदाओं से किसी को भी घायल कर देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए हम आपको यूक्रेन देश के बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, यूक्रेन को सोवियत संघ से 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी, लेकिन उससे पहले इस देश को दी यूक्रेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1991 में आजादी के बाद यहाँ की सरकार ने दी यूक्रेन से दी हटाकर सिर्फ यूक्रेन रख दिया। लेकिन आपको जानकर बड़ा दुख होगा, 1932 से 1933 के बीच जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, उस वक्त इस देश में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, जिसे याद कर लोगों की रूह कांप उठती है। वेल, दोस्तों, आपको बता दें, आज यह देश पर्यटन के लिहाज से दुनिया भर के सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह है, क्योंकि इस देश को यूरोप का दिल भी कहा जाता है। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। साफ सफाई और शुद्ध हवा पानी के मामले में ये देश तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ के लोग भी आपको बड़े दिलदार मिलेंगे, जो बाहर से आए लोगों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। इस देश की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं: रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा, जो इसके पड़ोसी देश हैं। वहीं साउथ में ब्लैक सी है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश 603,628 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आकार के लिहाज से दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो ये रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, साथ ही रूस के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी यूक्रेन के ही पास है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास है, जो आबादी के मामले में दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। वहीं डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 75 लोग नजर आएंगे। यहाँ का कॉलिंग कोड +380 है, और बाकी यूरोपियन देशों की तरह यहाँ के लोग भी दाई ओर गाड़ी चलाते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों को यूक्रेनियन कहा जाता है, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनी है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। धर्म की बात करें तो यहाँ की 87% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 12% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। कीव इस देश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। कहा जाता है कि इस राजधानी को 11वीं सदी में बनाया गया था। आपको बता दें, यूक्रेन की इस राजधानी को हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सन 1941 में जब हिटलर की नाजी सेना ने इस शहर पर हमला किया, तब यहाँ के लोग डरे नहीं और न ही घबराए, बल्कि लड़े। हालांकि वे इस युद्ध में हार गए, लेकिन सोवियत संघ ने यहाँ के लोगों की बहादुरी को देखते हुए इस शहर को हीरो सिटी का नाम दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गहराई में बना रेलवे स्टेशन किस देश में है? तो आपको बता दूं, ये रेलवे स्टेशन यूक्रेन में है, जिसे आर्सनल्ला के नाम से जाना जाता है, जो जमीन से लगभग 346 फीट की गहराई में स्थित है। भले ही शराब को दुनिया भर के कई देशों में गलत माना जाता हो, लेकिन यूक्रेन के लोगों के लिए शराब पीना किसी परंपरा से कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में शराब खपत के मामले में यूक्रेन 6ठे नंबर पर आता है। साथ ही आपको ये भी बता दे, दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाले देशों की लिस्ट में यूक्रेन 8वें स्थान पर है। शिक्षा स्तर के मामले में यह देश काफी आगे है। यहाँ की लिटरेसी रेट 99.8% है, जो साक्षरता के मामले में यह देश विश्व में 4थे नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यूक्रेन का इतिहास खूबसूरत महिलाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल की जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं तन से तो खूबसूरत होती ही हैं, और मन की भी बहुत साफ होती हैं, जो किसी से भी बात करने में हिचकिचाती नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।